जुआन मार्टिन डेल पोट्रो वापस आ गया है। पूर्व विश्व नंबर 3 ने 3 साल की अनुपस्थिति के बाद टेनिस में वापसी की घोषणा की है। डेल पोत्रो हाल के वर्षों में चोटों से परेशान रहे हैं, लेकिन अब वह वापसी करने के लिए तैयार हैं। डेल पोत्रो के अब तक के करियर के बारे में बात करें, जिसमें उनकी प्रमुख जीतें और उनकी चोटें शामिल हैं। डेल पोत्रो ने 2009 में 20 साल की उम्र में US ओपन जीतकर धूम मचा दी। उन्होंने 2013 में ATP फाइनल और 2016 में अर्जेंटीना के साथ डेविस कप जीता। हालांकि डेल पोत्रो हाल के वर्षों में चोटों से परेशान रहे हैं, जिसमें घुटने की 3 सर्जरी भी शामिल है। डेल पोत्रो ने कहा है कि उन्हें यकीन नहीं है कि उनकी वापसी कितने समय तक चलेगी, लेकिन वह अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हैं। वह प्रेजेंट में अर्जेंटीना में ट्रेनिंग ले रहे हैं और आने वाले महीनों में उनकी वापसी की उम्मीद है। फैंस और पार्टनर प्लेयर डेल पोत्रो की वापसी को लेकर एक्साइटेड हैं। कई लोगों का मानना है कि उनमें अभी भी एक और ग्रैंड स्लैम टाइटल्स जीतने की कैपेसिटी है। यदि आप जुआन मार्टिन डेल पोत्रो की वापसी के लिए एक्साइटेड हैं, तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। हां, जाने से पहले हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए।